हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे और आप लोग लास्ट के क्लास में इंटरवल्स पढ़े थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ्स में तो इंटरवल्स का अक्सर यूज होता है। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में हम बताए हैं इंटरवल्स का टाइप्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ये चार टाइप का था। बाकी बहुत सारा नोट्स बताए थे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो सभी चीज़ को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर ली होगे। और उसके बाद हम साइन स्कीम का सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें साइन स्कीम को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला कैटेगरी था साइन स्कीम ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, तो हम लीनियर एक्सप्रेशन समझाए थे क्या होता है और उसका साइन स्कीम भी समझाए थे, रियल नंबर में क्या होगा, इंटीजर्स में क्या होगा, सब बात समझाए थे अच्छे से। ठीक है, और जैसा कि हम बताए थे लास्ट के वीडियो में कि हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ाएंगे, ये 11th के बुक में दो चैप्टर है आप लोगों को, जो बेसिक लेवल का बुक होगा, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, जो भी बुक है बेसिक लेवल का, उसमें ये चैप्टर का मेंशन है लीनियर इन इक्वेशन नाम से। ठीक है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और दूसरा चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग चैप्टर है और ये क्लास पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर को बना सकते हो। और यही नहीं, 12th का भी एक टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि इसी से बनेगा। जब हम ग्राफ खींचना जान लेंगे तो थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 12th बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये सारा चीज़ का यहीं से डिस्कशन होगा जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझना सही से। 11th के भी दो चैप्टर्स कंप्लीट होंगे और 12th का भी एक चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका भी लिंक यहाँ से मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना, हम डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो पहले हम कुछ बेसिक बात बता रहे हैं, इसको आप लोग समझना, ये सब आप लोग जानते हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर एक्स एक्सिस की कोई पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो इसका नाम है वाई इक्वल टू के, के इज एनी रियल नंबर, यानी ये 0, k पॉइंट है। ठीक है, अब k का वैल्यू 2 रहेगा तो 2 से पास करेगा, 1 रहेगा तो 1 से पास करेगा, -1 रहेगा नीचे से पास करेगा, बट सारा x एक्सिस का पैरेलल होगा, क्योंकि y इक्वल टू k का मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट सभी में k है। जैसे ये 0 k लिखे, यहाँ 1, k होगा, यहाँ 2, k होगा, यहाँ -1, k होगा, यानी सभी में y कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है k। इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, y इक्वल टू k, जो कि x एक्सिस का पैरेलल है। और इसी कारण से x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ये जीरो से पास कर रहा है x का पैरेलल नहीं। और अगर y एक्सिस का पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन होगा तब इसका नाम x इक्वल टू h, यहाँ h कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है फिलहाल। तो ये जीरो h कॉमा जीरो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट लेंगे तो h1, h2, h3, h4 यानी x कोऑर्डिनेट सब में h फिक्स रहेगा, y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। चूंकि x कोऑर्डिनेट फिक्स है इसलिए इसका इक्वेशन का नाम x इक्वल टू h होता है, ऐसे हम इस बात को लिख दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज क्या होता है, y इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज
y इज इक्वल टू के, इसका एक एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है तो x एक्सिस का पैरेलल रहेगा और ये 0 2 से पास करेगा, दिस इज y इज इक्वल टू 2। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये तो कहीं भी ले सकते हैं ना, अपने मन से यूनिट स्केल ले सकते हैं, x और y पर सेम रखना है नहीं। अब जैसे y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ खींचना है, ये एक्सरसाइज था हमारा, तो कैसा होगा बेटा, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये नीचे से पास करेगा, दिस इज y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कॉन्स्टेंट पे डिपेंड करेगा क्या होगा, अगर कॉन्स्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव है तो x एक्सिस से ऊपर होगा और पैरेलल होगा, और अगर कॉन्स्टेंट का वैल्यू नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे होगा और पैरेलल होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी ये पॉइंट 0, -1 है, और ये पॉइंट 0, 2 लिखी दिए है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू एच, जहां पे एच कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, 1, 2, 3, -1, 1/2 कुछ भी, ठीक है, उसी प्रकार वाई भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब के, के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, तो एच और के तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसा रहता है, कॉन्स्टेंट लिखा रहता है, कुछ 2 है, यहाँ y इज इक्वल टू, यहाँ y इज इक्वल टू -1 है, और इसका एग्जांपल अभी हम समझाते हैं, ठीक है, नोट करिए। तो बेटा x इज इक्वल टू h कैसा होगा ये हम बताते हैं, आप लोग जानते हो कि y एक्सिस का पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो कहीं भी ले लो बट y एक्सिस का पैरेलल दिखना चाहिए, जितना डिस्टेंस है ना सब मेंटेन रहना चाहिए बराबर, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है y एक्सिस से वो h डिस्टेंस है। अब h का वैल्यू कुछ भी होगा, 2, 3, -1, -2, एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर x इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है तो ये 1 से पास करेगा, यानी ये 1, 0 होगा नहीं पॉइंट। अब जैसे कि आप लोगों को x इक्वल टू मान लो -2 ग्राफ बनाना है, ये -1, -2, ये x इक्वल टू -2, ये तो एक्सरसाइज है, x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। अब x इक्वल टू मान लो जो भी रहेगा ना हम लोग लिख सकते हैं -1, ये पॉइंट क्या है -2, 0, बस ध्यान ये रखना है कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा तो y एक्सिस का पैरेलल लाइन होगा, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा तो x एक्सिस का पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इन इक्वेशन पर आते हैं, ये तो इक्वेशन था ना समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, अब यहाँ से हम अलग अलग देखते हैं। जैसे अगर ग्राफ बनाना है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इन इक्वेशन में क्या होता है लेस ग्रेटर का सिंबल होता है नहीं, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जब भी कोई इन इक्वेशन होता है ना बेटा तो उसका ये बात याद रखना कि ग्राफ हमेशा एरिया में आता है, कोई पर्टिकुलर लाइन या कर्व नहीं होगा, है ना, मतलब एक एरिया बनाएगा, जहाँ कहीं भी इन इक्वेशन होगा और उसका ग्राफ बनाना होगा तो क्या होगा एरिया होगा। तो अभी समझाते हैं ये कैसा वाला एरिया है ये समझना है। तो x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन होता है बेटा, y एक्सिस होता है नहीं। तो अब हम करेंगे क्या इसमें, चूंकि x इज ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो y एक्सिस के राइट वाला पूरा एरिया लेंगे, क्योंकि ऐसे भी हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, हमें चाहिए x पॉजिटिव, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा पॉइंट होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी पूरा पॉइंट होगा, ठीक है, तो पूरा पॉइंट मतलब क्या, पूरा एरिया बनाएगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट लोगे 1, 2 लो सेटिस्फाई करेगा, 1, 3 लो सेटिस्फाई करेगा, 1, -2 लो, 1, -3 कुछ भी लो, 2, -3 ले लो, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को पूरा कलर करना, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, बट जितना आपकी कॉपी में स्पेस होगा उतना ही कलर करना, ये नहीं कि आगे पूरा कॉपी के बाहर भी कलर कर देना, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए लिखे हैं और इसी का नाम है x इज ग्रेटर और इक्वल टू
जीरो, ये कंप्लीट एरिया है एस ग्रेटर इक्वल टू जीरो का, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ, अगर इसी में रहेगा एक्स इज ओनली ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ही है। यहां पर ना वाई एक्सिस को आप डॉट डॉट लाइन से बना लो, ठीक है, ऐसा क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये वाला ग्राफ में वाई एक्सिस पर का भी पॉइंट इंक्लूड था, ठीक है, ये वाला ग्राफ में y एक्सिस पर का भी पॉइंट इंक्लूड था, बट इस वाला ग्राफ में y एक्सिस को छोड़ करके, इसलिए y एक्सिस को हम डॉट डॉट लाइन से बनाए थे, ठीक है, इस समझाने के लिए थे, y एक्सिस पर का भी पॉइंट है और राइट साइड भी है, इसमें y एक्सिस को छोड़ करके बट राइट साइड कलर करना है, ठीक है, तो छोड़ना है इसीलिए हम उसको डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। तो अब ध्यान ये रखना, जहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा इन इक्वेशन में, तो वहां पर जो लाइन बनाएंगे ना, जैसे x इक्वल टू जीरो ही लाइन है, बट उस लाइन को डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। यहां पर भी x इक्वल टू जीरो ही बनाया है, यानी y एक्सिस, लेकिन बोल्ड लाइन बनाया है, कलर एक ही तरह से करेंगे, चूंकि ग्रेटर देन जीरो इधर भी है इधर भी है, समझ रहे हो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखो, अगर x लेस देन और इक्वल टू जीरो रहेगा तो कैसा होगा, यहां भी सेम लाइन बनाएंगे और y एक्सिस के लेफ्ट साइड पोर्शन कलर करेंगे, ठीक है। This is x is less than equal to zero. इधर मैंने सिंपली तक कलर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर, अगर x ओनली लेस देन जीरो होगा तब तुम लोग बताओ क्या होगा, y एक्सिस को तो बनाएंगे लेकिन डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे, ठीक है। डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे y एक्सिस को, ठीक है, बट कलर किधर करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे। डॉट डॉट क्यों बनाए, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं था इसीलिए, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन है, और भी हम बहुत सारा ग्राफ बताएंगे, आप लोग नोट करिए अच्छे से समझिए, जहां कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, फाइव नंबर देखते हैं, वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो आप लोग ये बताओ वाई इज इक्वल टू जीरो कौन सा स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां पर क्या लेना है, वाई जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए वाई ग्रेटर देन जीरो, तो यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को पूरा कलर कर देना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस को बोल्ड लाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहां पर इक्वालिटी भी है, ये इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा, तो इसमें प्लस प्लस इसमें माइनस प्लस होता है, तो वाई दोनों दोनों के से प्लस होगा, नहीं, दिस इज वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अगर इसी में हमें बनाना है वाई इज ओनली ग्रेटर देन जीरो, तो आप लोग समझ सकते हो क्या करना है, एक्स एक्सिस को डॉट डॉट लाइन से बनाना है, नहीं, और ऊपर तो कलर करना ही है, दिस इज वाई इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये पूरा कलर्ड रहता है, बुक्स में ना कलर करके दिया रहता है, अब कलर करने के लिए फिर उतना आप समझ लो ये कलर करने का है ना। चलो सेवन नंबर, वाई इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, बताओ क्या होगा, एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में कलर करना है, नहीं, क्योंकि वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा, नहीं, तो आप इधर कलर करो, और यही ग्राफ है वाई इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अगर y सिर्फ लेस देन जीरो रहेगा तब आप समझ सकते हो क्या होगा, बस x एक्सिस को डॉट डॉट लाइन से बना देना, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पर का पॉइंट इंक्लूड नहीं रहेगा, जो कि ओनली लेस है ना, इसीलिए, और नीचे कलर कर दो। ये हो गया y इज लेस देन जीरो का ग्राफ, ठीक है। अब चलते हैं आगे नाइन नंबर,
एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, इसका ग्राफ बनाना है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, x माइनस वन इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो कैसे बनाएंगे देखो, x इक्वल टू वन कैसा है, स्ट्रेट लाइन होगा। x इक्वल टू वन होता है y एक्सिस का पैरेलल स्ट्रेट लाइन, नहीं वन से पास करेगा और यही स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू वन। तो कलर किधर करेंगे ये बताओ, कर है वन से ज्यादा होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट वन से ज्यादा होना चाहिए। तो x इक्वल टू वन से राइट लेंगे तब ना x कोऑर्डिनेट वन से ज्यादा होगा, इसलिए इधर कलर करो। और x इक्वल टू वन लाइन को हम बोल्ड लाइन बनाए हैं इसीलिए, क्योंकि इक्वालिटी भी है इसमें, नहीं। अब जैसे रहेगा x इज लेस देन और इक्वल टू टू का ग्राफ, या इसको x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। इक्वालिटी हटा देते हैं, रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे। x इक्वल टू टू लाइन बनाओ लेकिन डॉट डॉट लाइन बनाओ, नहीं x इक्वल टू टू को ना डॉट डॉट लाइन से बनाओ। ये x इक्वल टू टू, अब इसके लेफ्ट साइड ले जाना, x का वैल्यू टू से कम रहना चाहिए, नहीं एस का वैल्यू, ये एक्स इक्वल टू टू है ना बेटा, ये टू जीरो है पॉइंट, नहीं तो एक्स टू से कम किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। वाई तो कुछ भी रह सकता है, वाई का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो इधर कलर कर दो, इधर क्रॉस कर सकता है एक्सिस को भी। ये जो कलर कर रहे हैं यही ग्राफ है एक्स इज लेस देन टू का, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू टू है, ठीक है, नोट करो, आगे बताते हैं। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखो। जैसे 2x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बनाना है, इसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर इक्वल टू क्या देगा, माइनस 1 बाई टू। तो फटाफट x इक्वल टू माइनस 1 बाई टू बनाओ, कैसा लाइन होगा, y एक्सिस का पैरेलल और लेफ्ट साइड, और बोल्ड लाइन। बोल्ड लाइन क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का भी साइन है। ये जो है x इक्वल टू माइनस वन बाई टू का ग्राफ है। अब इसके राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है, क्योंकि कह रहा है माइनस वन बाई टू से ज़्यादा आता है, ज़्यादा किधर होगा, इधर होगा ना बेटा, क्योंकि ये पॉइंट जो है माइनस वन बाई टू कोमा जीरो है, इसके ज़्यादा इधर होगा, इधर कलर करो, ठीक है। पूरा कलर कर सकते हैं हम, ठीक है, ये तो एक्सरसाइज था ना, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, और यही ग्राफ हो गया 2x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का। चलो आगे देखते हैं 12 नंबर, ठीक है। थ्री एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0, या 3x प्लस 5 इज लेस देन 0, क्या हो गया, x इज लेस देन माइनस 5 बाई 3। तो x इक्वल टू माइनस 5 बाई 3 लाइन बनाओ, ये तो एक्सरसाइज है, थोड़ा और इधर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव तरफ जाना है, ये एक्सरसाइज है x और y, और माइनस 5 बाई 3 बनाओ और डॉट डॉट लाइन से बनाओ, ठीक है। मान लो माइनस 1 यहाँ होगा, इससे थोड़ा आगे माइनस 5 बाई 3 होगा, अब इसके लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। डॉट डॉट क्यों बनाए थे, क्योंकि इक्वालिटी नहीं था, क्योंकि ये पॉइंट है माइनस 5 बाई 3 कोमा 0, इसके लेफ्ट साइड कलर करोगे आप, ठीक है। और यही ग्राफ है 3x प्लस 5 इज लेस देन 0। 13 नंबर देखो, फाइव एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 7 बाई 5, 7 बाई 5 लगभग 1 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं
तो आप x इक्वल टू 7/5 बना लो बोल्ट लाइन से, इसके राइट कलर करोगे कि लेफ्ट साइड बताओ, क्योंकि 7/5 से ज्यादा लेना है तो राइट साइड करना, राइट साइड हम कलर कर देंगे, ठीक है। यही ग्राफ है 5x-7 > 0। 14 नंबर, अब y में आते हैं, y-2 > 0, या हम कह सकते हैं y > 2। तो y = 2 कैसा है, स्ट्रेट लाइन है बेटा, x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है और बोल्ड लाइन से बनाना है। क्या बनाना है, बोल्ड लाइन बनाना है, ठीक है। ये है y = 2। अब इसके ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, ये 1 है, ये 0 2 है, और y कोऑर्डिनेट 2 से ज्यादा, तो यानी ये 2 से ऊपर रहेगा, यानी इस लाइन के ऊपर कलर करेंगे। यही इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। फिफ्टीन नंबर, 2y-3 > 0। तो यहां से क्या होगा, y = 3/2। तो आप y = 3/2 लाइन बनाओ और डॉट डॉट लाइन से बनाओ, नहीं 3/2 क्या होगा 1.5, 1 है तो यहां थोड़ा होगा नहीं, और डॉट डॉट लाइन बनाना। डॉट डॉट क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं है इसीलिए। ये है y = 3/2। और इसके नीचे लेना है कि ऊपर, लेस लेना है ना बेटा, लेस मतलब नीचे होता है, ठीक है। तो कलर करोगे इसके नीचे वाला पोर्शन को पूरा। ठीक है, और ये जो कलर किए यही ग्राफ हो गया 2y-3 > 0। थ्री वाई प्लस 5 > 0। देखो ये एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस, और y = क्या होगा -5/3, ठीक है। तो -5/3 एक्स एक्सिस का पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यही है y = -5/3, ठीक है। ये पॉइंट 0.3/2 था, ये पॉइंट क्या है 0.-5/3, और इसके ऊपर कलर करना है क्योंकि यहां पे गेटर लेना है, नहीं ऊपर साइड में कलर कर दो। ये ओरिजिन था और जो बनाया है यही ग्राफ है 3y + 5 > 0। तो बेटा अब एक्स एक्सिस या मतलब एक्स में या वाई में कोई भी वन वेरिएबल रहेगा तो हम लोग आराम से ग्राफ स्केच कर सकते हैं। इसलिए इसका हेडलाइंस क्या दिया हुआ था, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल या तो एक्स में रहेगा या फिर वाई में रहेगा, नहीं अगर टू वेरिएबल में ग्राफ रहेगा तो कैसा होगा वो आगे बताएंगे। एक दो और एग्जाम्पल करवा के हम टू वेरिएबल वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नोट करो। तो बेटा आप कोई भी ग्राफ रहेगा आप बना सकते हो, देखो स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। तो आप लोग को हम ये होमवर्क देते हैं और बना करके आप व्हाट्सएप पे फोटो खींच करके भेजना, ठीक है, जो जो लोग बना लोगे। 3y + 2 > 0, 2y - 5 > 0, 7y
प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 या माइनस 1 कर लेते हैं. ठीक है, तो ये पांच ग्राफ दिए हैं होमवर्क, इसको आप लोग बनाना और हमें बताना फोटो खींच करके. ठीक है, इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना ठीक से. ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब अब जो है ग्राफ में x और y दोनों मिक्स रहेगा. ठीक है, तब कैसे बनाएंगे ये समझाएंगे अभी. ठीक है, ऐसे हम मान लो ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसे ग्राफ बनाना. यहाँ पर ये निश्चित है कि a b c जो है ना रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी सबका ग्राफ नहीं बनता है. ठीक है, तो हम इसको दो केस में बना रहे. ठीक है, इफ c इज ग्रेटर देन 0 मान लो ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आता है आप लोगों को, एक्स जीरो करके वाई निकाल लोगे, वाई जीरो करके एक्स निकाल देते हो, दोनों को मिला देते हो, ये करते हो ना. मान लो ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा. ठीक है, इसका नाम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है. तो एक्स जीरो पर वाई क्या मिलेगा, देखो एक्स जीरो करो वाई मिलेगा माइनस सी बाय बी, यानी ये जीरो कमा माइनस सी बाय बी. वाई जीरो पुट करो तो एक्स क्या मिलेगा, माइनस सी बाय कोमा 0. ठीक है, और अब देखो कह रहा है कि अब इसमें जीरो जो ये है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 ओरिजिन का. नहीं तो बेटा, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे किसी भी इनइक्वेशन का, तब हम स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि कोई ना कोई एरिया होगा, या तो लाइन के इस साइड का एरिया होगा या लाइन के इस साइड का एरिया होगा. अब इस साइड का एरिया है या इस साइड का एरिया है इसको चेक करना पड़ेगा. उसके लिए कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लाइन के इस साइड का कोई पॉइंट होना चाहिए या लाइन के उस साइड का होना चाहिए, लाइन पर का पॉइंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, और वो पॉइंट को उसमें रखना है लाइन में एक्स और वाई की जगह पर. अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा तो उस पॉइंट की तरफ कलर करेंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसके अपोजिट साइड कलर करेंगे. तो सबसे अच्छा ये होता है अगर लाइन ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, कहीं और से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से ही सेटिस्फाई करवाते हैं. ओरिजिन चूंकि इजी होता है रखना, नहीं 0 0 कर देगा, कैलकुलेशन आसान होगा. ऐसे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ओरिजिन के अलावा भी. ठीक है, अब अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा तो वहां ओरिजिन नहीं लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे ऑलरेडी. ठीक है, लेकिन जब कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से नहीं पास करेगा तो जनरली ओरिजिन से लेकर के हम लोग मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाते हैं, यानी ओरिजिन अगर उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ओरिजिन की तरफ कलर करेंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ओरिजिन के अपोजिट साइड कलर करेंगे. और ये तब करेंगे जब लाइन ओरिजिन से नहीं पास करता हो, और जब कोई लाइन ओरिजिन से ही पास करता होगा तो वहां पे ओरिजिन नहीं रख करके कोई दूसरा पॉइंट लेंगे. ठीक है, और यहां भी कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट रखना थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, इसलिए ओरिजिन से हम लोग इजीली कैलकुलेट करते हैं. एग्जांपल में हम सब बात समझाएंगे, अभी चूंकि सारा अननोन से एबीसी इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत होगा. तो चलो देखो 0 0 रखो इसमें, एक्स 0 वाई 0, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और केस में क्या माना है, सी ग्रेटर देन 0 मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ओरिजिन की तरफ कलर करेंगे हम. जो कलर किए यही ग्राफ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का. ठीक है, ठीक है बेटा, चूंकि इस ग्राफ में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा था तो ओरिजिन की तरफ कलर किए. अब हम केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, इफ सी इज लेस देन 0. अभी तो एबीसी अननोन्स है तो कुछ भी लिख दो, कोई भी लाइन होगा, चूंकि अननोन है ना पता नहीं है, इसी लाइन को मान लेते हैं.
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें तुम ऑरिजिन रख के देखो, सी इज ग्रेटर देन जीरो आएगा, जबकि सी लेस देन जीरो दिया हुआ, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑरिजिन के अपोजिट साइड कलर करना है इस बार, ठीक है। और यही इसका ग्राफ होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो ए बी सी होने के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन आया होगा, और अगर हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे हम लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 12, या 3x माइनस 2y प्लस 6 इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, इसे ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और कैसे बनाते हो आप लोग स्ट्रेट लाइन बताओ, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। देखो x और इसमें y, x जीरो करो, इसमें x जीरो करो, y मिलेगा कितना 3, y जीरो करो तो x मिलेगा कितना माइनस 2। यानी एक पॉइंट मिला 0, 3, और दूसरा पॉइंट क्या मिला माइनस 2, 0। प्लॉट करो, एक पॉइंट मिला 0, 3, दूसरा पॉइंट मिला माइनस 2, 0, और इसको मिला दो, ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा। नहीं, ये तो आप लोग करने आता होगा, 10th क्लास में करते थे। यही स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो का। अब देखो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, 0, इसमें रखो एक्स जीरो रखो, वाई भी जीरो रखो, 0, 0, 0 हो गया प्लस 6, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू है, तो इसका मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन की तरफ कलर करो, ओरिजिन के अलावा भी रख के देख लेते हैं। मान लो हम रखते हैं इस बार 1, 1, देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, एक्स 1, y 1, 3 माइनस 2, 1 प्लस 6, 7 इज ग्रेटर देन 0 होता ही है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम रखते हैं -2, 1, देखो यहाँ पे उड़ा होगा -2, 1, देखो ये नहीं कर रहा होगा सेटिस्फाई। x -2 तो -6, और y 1 तो -6, -2, -8, +6 कितना हो गया -2। क्या -2 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता है, दैट इज -2, 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या करेंगे, -2, 1 के अपोजिट साइड कलर करेंगे। तो अपोजिट ऑलरेडी किया हुआ है, तो यानी बेटा कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ओरिजिन भी ले सकते हैं, या प्लेन पर का कोई भी पॉइंट वैसा लेना जो लाइन पर नहीं हो, और उसको उस इक्वेशन में पुट करना एक्स और वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट पुट करना और वाई की जगह पे वाई कोऑर्डिनेट पुट करना। अगर वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उस पॉइंट को कवर करेगा एरिया, मतलब उधर से कलर करना, ठीक है। और अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा उस इक्वेशन को, तो उस पॉइंट के अपोजिट साइड कलर करना। अभी हम 0, 0 रख करके देखे थे तो सेटिस्फाई कर रहा था इसको, इसलिए 0, 0 यानी ओरिजिन की तरफ कलर किया। अगर हम -2, 1 ही रख के देखते तो ये पाते कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो -2, 1 के अपोजिट साइड कलर करते तब भी यही होता, इसलिए रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट चाहे कोई भी हो। ओरिजिन हम इसलिए लेते हैं कि ओरिजिन रखना आसान होता है, 0, 0 से तुरंत कैलकुलेशन हो जाता है, नहीं अदरवाइज थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट करिए, इसके आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम इस पे एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, आप लोग समझना सही से, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पहले तो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यानी ग्रेटर देन 0 को हटा करके इक्वल टू 0 वाला, ठीक है। तो आप देखो x 0 करो, डायरेक्ट निकालते हैं इस बार, समझना, x 0 करो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 12/4, 3, 1, 2, 3। y 0 पुट करो तो x क्या मिलेगा 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और लाइन को क्या बनाएंगे, डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, इस लाइन को डॉट डॉट लाइन बनाओ, ऐसा बताए थे पहले भी, जब इक्वालिटी का साइन नहीं होता है तो डॉट डॉट लाइन बनाते हैं,
इसी लाइन का नाम है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम इसे लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पे देखो जो आप लोग 10th क्लास में करते होगे इस तरह से, नहीं देखो ये x है और ये y है, x 0 रखो तो y क्या मिलेगा 3, y 0 रखो तो x क्या मिलेगा 4, एंड दो पॉइंट मिला, एक 0.3 और एक मिला 4.0, यही है 4.0 पॉइंट और यही पॉइंट है क्या 0.3, नहीं, और इसको हम लोग मिला दिए। अब देखना ये है कि इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो 0.0 रखो, x 0 y 0, माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? माइनस 12 क्या 0 से बड़ा होता है? ऑब्वियसली नहीं होता है, दैट इज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसके अपोजिट साइड कलर करेंगे हम लोग ओरिजिन के, ठीक है। पूरा कलर होगा इस लाइन के इधर पूरा, ठीक है, क्वाड्रेंट नहीं देखना कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, और ये इसका ग्राफ है, ठीक है। आगे देखो एक और एग्जांपल करवाते हैं, दूसरा पॉइंट से भी चेक कर सकते थे। अगर हम मान लो लेंगे 4.1 तो यहाँ पे आएगा, नहीं देखो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, एक्स 4y 1, तो क्या मिलेगा 12 प्लस 4 16 माइनस 12 4, 4 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ट्रू, दैट इज 4.1 इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इधर कलर किए उसके साइड में ऑलरेडी है, इसलिए कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हैं, बस ओरिजिन हम रखते हैं इसलिए कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और सब जगह ये सब नहीं निकालना, अब थोड़ा फास्ट हो जाओ तुम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एक्स माइनस 2y प्लस 4 इज ग्रेटर और माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। सो फास्ट बना रहे, समझना सही से। देखो बेटा x 0 रखो तो y मिलेगा क्या माइनस 2, y 0 रखो तो x क्या मिलेगा प्लस 4, एक्स जीरो करोगे तो वाई मिलेगा तुम्हारा, सॉरी वाई माइनस टू मिलेगा ना बेटा, एक्स जीरो पर वाई माइनस टू और वाई जीरो पुट करो तो एक्स फोर मिलेगा, 1 2 3 4, और इसको मिला दो, बोल्ड लाइन से मिलाओ क्योंकि इक्वालिटी भी है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये सारा ग्राफ जो बनाए हैं या जो बनाओगे तुम लोग बुक में से, तो ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है, उस पर तुम लोगों को यूनिट स्केल लेने में टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाना, जब क्लास खुलेगा तो हम सबका देखेंगे कॉपी, ठीक है, कौन कौन बना के आया है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, यहाँ ओरिजिन रखो 0.0, देखो 0.0 यानी 4 इज ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन की तरफ कलर कर दो, पूरा कलर हो जाता है, ठीक है, यही ग्राफ इसका हो गया। तो अब आप लोग अच्छा से समझ गए हो, ठीक है। अब हम एक ऐसा लाइन देते हैं जो खुद ओरिजिन से पास करता हो, तब देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो 2x माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है तो लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा, ठीक है। इस लाइन का अगर हम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो x 0 पर y भी 0 मिल रहा है, यानी पॉइंट क्या मिला 0.0, कुछ भी पुट कर दो, x 1 रखो तो y क्या मिलेगा 2, यानी पॉइंट क्या मिलेगा 1.2। अब दो पॉइंट मिल गया, उसको मिला दोगे तो लाइन बन जाता है, तो हम लाइन बनाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऑलरेडी 0.0 है, एक पॉइंट 1 पर 2 मिल रहा है, 1.2 यहाँ मिल रहा है 1.2, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनता है, नहीं, और बोल्ड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन है। इसी लाइन का नाम हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 0.0 और 1, दो पॉइंट कोई भी खोजना है और उसको मिला देना है तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, नहीं। अब यहाँ ओरिजिन रख के नहीं चेक करते, चूंकि ये लाइन ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट रखना पड़े, कोई भी पॉइंट रख सकते, मान लो यही पॉइंट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये है क्या 0.2, नहीं ये रखो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, x 0 y 2,
जीरो माइनस टू, माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, क्या ये सही है? गलत है, माइनस टू तो लेस देन जीरो होता है, यानी इस पॉइंट के अपोजिट साइड कलर करें। ये फाइनल हो गया कि इधर कलर करेंगे? नहीं, या हम एक और बात चेक कर देते, मान लो ये पॉइंट रखते, ये वन जीरो है ना बेटा, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, एक्स वन वाई जीरो रखो, टू माइनस जीरो, टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज ट्रू, टू जो है वो जीरो से बड़ा होता ही है, यानी किसी भी हाल में इस साइड कलर करना होगा। नहीं, तो इस बात को आप लोग अच्छा से समझ गए हो। और यही है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का ग्राफ। अगर यहां पर इक्वालिटी का साइन हटा देते सेम ग्राफ में, तो बस ये जो लाइन लिखे इसको डॉट डॉट लाइन से बना देते, ठीक है? लेकिन अभी तो है, अगर नहीं रहता तो डॉट डॉट लाइन से बनाते, बाकी ग्राफ सेम होता है, समझ रहे हो? तो बेटा इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना, और बुक में भी आपको ग्राफ होगा, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, कोई भी जो बेसिक लेवल का बुक होगा, बोर्ड लेवल का, एनसीईआरटी, सब में ग्राफ होगा इस पर, ठीक है? उसको तुम लोग बनाना। और अब हम इस पर जो बताएंगे आगे, एक से ज़्यादा इक्वेशन रहेगा वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में से, चार पाँच इक्वेशन एक साथ है तो कंबाइंड ग्राफ कैसे बनाएंगे, समझ रहे हो क्या बोले? जैसे अभी तो जितना भी ग्राफ हम बनाए हैं सब में सिंगल सिंगल इक्वेशन था, तो पहले वाला में क्या था, वन वेरिएबल में, और बाद वाला में क्या है, टू वेरिएबल में, बट सिंगल सिंगल है सारा। लेकिन अगर एक साथ चार पांच इक्वेशंस आ जाएगा, इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन, तो उसका कंबाइंड में ग्राफ क्या होगा, कैसे एरिया बनाएंगे, वही मेन है, ठीक है? उसी पर ट्वेल्थ का लीनियर प्रोग्रामिंग डिपेंड है, और वो भी हालांकि आप लोगों की बुक में होगा बनाने के लिए, ठीक है? तो उसमें काफ़ी अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हम अगले क्लास में उसको समझाएंगे। यहाँ तक आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, वो वाला अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है? और तब हम लोगों का लीनियर इनिक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और लीनियर एक्सप्रेशन का साइन स्कीम भी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यानी अगले क्लास में एक दो एग्जाम्पल करते हुए कंबाइंड वाला स्टार्ट होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसका साइन स्कीम, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट हम इसलिए बोलते हैं बार बार, क्योंकि इसका आप ये समझ लो, कोई भी आप क्लास अटेंड करोगे ना मैथ्स का आगे, तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन साइन स्कीम और इंटरवल का यूज ना हो। आप जैसे क्वेश्चन बनाओगे तो इसका कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है, ठीक है? अक्सर तो इसको आप लोग अच्छे से सीरियस लेना। और अब हम जैसे कि 11th का भी वीडियो पैरेलल में रेगुलर डालेंगे, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताए थे, एक दो दिन में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाई स्पीड इंटरनेट हम लोग लगा रहे हैं। और जैसा कि बताए थे, हम 12 से 3 के बीच वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है? डेली एक 11th का और एक 12th का, ठीक है? और वीक में एक या दो दिन गैप भी देंगे, ठीक है? खास करके तब जब हम सीट देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, तब उस दिन हम गैप देंगे, और फिर आप लोग अपना नोट कंप्लीट कर लेना और जो है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है? और वीडियो को रेगुलर देखना है, जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उसी दिन देख करके नोट कंप्लीट करना, नहीं तो क्या होगा, फिर लोड बढ़ते जाएगा, ठीक है? तो रोज़ एक वीडियो आप लोगों को देखना है और उसको नोट करना है, ठीक है? जिस दिन गैप रहेगा उस दिन होमवर्क रहेगा बनाने के लिए, ठीक है? तो वो भी करना है, ठीक है बच्चा? चलो ठीक है, थैंक यू।